ब्रो मुझे बहुत सारे पैसे और एक्सपीरियंस चाहिए, तो फॉरेन कंट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, पैसा और एक्सपीरियंस दोनों मिलेगा। वो तो ठीक है यार, बट मैंने सुना इसके लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है। यस डेफिनेटली देना पड़ेगा। कुछ भी। इफ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन MS, MBA एंड मेनी अदर कोर्सेज फ्रॉम US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, देन यू नीड टू गिव GRE एग्जाम। GRE एग्जाम की फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इट इज कंडक्टेड बाय ETS। GRE एग्जाम टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है GRE जनरल टेस्ट, सेकंड होता है GRE सब्जेक्ट टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं GRE जनरल टेस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है एनालिटिकल राइटिंग, जिसमें आपको 2 टास्क कंप्लीट करने होते हैं और आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। सेकंड सेक्शन होता है वर्बल रीजनिंग का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। एंड थर्ड सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और आपको 70 मिनट का टाइम मिलता है। इस एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन 3 hours 45 minutes है और ये एग्जाम टोटल 340 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 300 से अबव मार्क्स स्कोर करने होते हैं इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज। इस एग्जाम को आप साल में 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो विद इन द गैप ऑफ 21 डेज। अब बात करते हैं GRE सब्जेक्ट टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी टेक्निकल एबिलिटीज को चेक करने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। GRE सब्जेक्ट टेस्ट ओनली 4 सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड साइकोलॉजी। और ये एग्जाम मेनली अप्रैल, सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कैसे करोगे। रजिस्टर करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले आप ETS.org की वेबसाइट पर विजिट करोगे और वहाँ पर एक ETS अकाउंट क्रिएट करोगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप GRE जनरल टेस्ट देना चाहते हो या फिर GRE सब्जेक्ट टेस्ट। आफ्टर दैट आपको GRE टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल फिल आउट करनी होगी और एक डेट सेलेक्ट करना होगा जिस दिन आप एग्जाम देना चाहते हो। आफ्टर दैट आपको फीस पे करनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। GRE जनरल एग्जाम की फीस $228 है, जो कि इंडियन रुपीज में अप्रॉक्स 18,000 to 19,000 है, और GRE सब्जेक्ट टेस्ट की फीस $150 है, जो कि इंडियन रुपीज में अप्रॉक्स 12,000 है। सो मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस टेस्ट। फॉर्म फिल आउट करने के बाद अगर आप इसे रीशेड्यूल या फिर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको अलग से $50 पे करना होता है। इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बट एज यू नो यू आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू मस्ट नीड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ की जो एडमिशन डेडलाइन है उससे 2 months पहले आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर बात करें रिजल्ट की, तो इसका रिजल्ट एग्जाम देने के 10 to 15 डेज के अंदर आ जाता है। अगर आप ये एग्जाम एक बार दे देते हो तो इसके स्कोर 5 years के लिए वैलिड होते हैं। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस फ्री मटेरियल्स अवेलेबल ऑन YouTube एंड बाय गिविंग फ्री मॉक्स अवेलेबल ऑनलाइन। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ YouTube चैनल शो कर रहे होंगे, आप इनकी हेल्प से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एल्स यू कैन ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट ऑफलाइन, बट आई वुड एडवाइस यू बी वेरी केयरफुल बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट एंड डू योर प्रॉपर रिसर्च बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूट। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ। धन्यवाद।